हेलो फ्रेंड्स, अंबिका इलेक्ट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे अंबिका कंपनी का 300 HP MCCB पैनल स्टार्टर बोरवेल पर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा 300 HP का पैनल है, उसको हम फ्यूज के नजदीक लेके जाएंगे, फिर फ्यूज में कनेक्शन देंगे ये इनपुट तीन तारों को, और ध्यान रहे कि ये कनेक्शन लूज ना रहे वरना जलने का प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे पैनल स्टार्टर के कनेक्शन हो गए हैं, अब हम फ्यूज लगा के मेन स्विच को ऑन करेंगे। अब हम ये रोटरी स्विच को घुमा के देखेंगे कि वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम पैनल का डोर खोलेंगे, उसके बाद ये ऑटो स्विच में देखेंगे कौन सी बत्ती हो रही है। देखो टाइम डिले वाली बत्ती हो रही है तो आपका कनेक्शन सही है, अगर फ्यूज फॉल्ट वाली बत्ती जल रही है तो आपको फ्यूज में से दो तार को उलट सुलट करना है। अब हमने फ्यूज के दो तार घुमाने के बाद ये फ्यूज फॉल्ट वाली बत्ती बंद हो गई और ये टाइम डिले वाली लाइट ऑन हो गई। अब एक मिनट के बाद ये मोटर ऑन वाली लाइट चालू होगी, उसके बाद हम पैनल को चालू बंद कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि ये ऑटो स्विच पैनल में क्यों लगाया जाता है। जब आपका आगे से एक फेज में पावर नहीं आ रहा होता तब ये ऑटो स्विच पैनल को चालू नहीं होने देता और मोटर को सुरक्षित रखता है। अब हम बताते हैं कि ये स्विच को कौन सी पोजीशन में रखना है। जब हम उसको ऑटो में रखते हैं तो पैनल को ये ऑटो में चालू कर देगा, और हम उसको बीच में रखते हैं तो ये SPP में रहेगा और बाहर से बटन से चालू बंद होगा, और हम उसको मैनुअल में रखते हैं तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। हमारी ऑटो स्विच में कोई दिक्कत आती है, वह जल जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए मैनुअल आ सकते हैं, पर उसमें मोटर की कोई सुरक्षा नहीं है। अब हम पैनल को चालू बंद कर सकते हैं, हमको चालू करके देख लेना है। अब हम फ्यूज निकाल के मोटर के कनेक्शन कर देंगे। देखो हमने मोटर के कनेक्शन कर दिए हैं, ध्यान रहे कि कनेक्शन लूज ना रहे वरना जलने का प्रॉब्लम रहेगा। और कभी भी एल्यूमिनियम केबल का कनेक्शन ना करें। अगर आपके पास एल्यूमिनियम केबल है तो आप 1 या 2 मीटर कॉपर तार ले और पैनल की बाहर जॉइंट करके दे सकते हैं। अगर आप पैनल में सीधा एल्यूमिनियम केबल का कनेक्शन करते हैं तो उसमें कंपनी की कोई गारंटी वारंटी नहीं रहेगी। हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना एम्पियर हमारी मोटर ले रही है। आपको लग रहा है कि मोटर की रेटिंग से ज़्यादा एम्पियर ले रही है, या तो बोरवेल पे पानी बाहर नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपकी मोटर उल्टी घूम रही है। उसके लिए आपको मोटर के ये कनेक्शन से दो तार को घुमा देना है। मोटर के तार घुमाने के बाद देखो हम स्टार्ट करते हैं, अब हमारी मोटर सही चल रही है, सही एम्पियर ले रही है। अब हम रिले का सेटिंग करेंगे। रिले का सेटिंग करते वक्त अपनी मोटर को ऑन रखें। आपके मोटर के रेटिंग से हिसाब से ये रेड वाली बत्ती जलेगी। आपको ये देखना है कि रेड वाली बत्ती 2 जल रही है तो आपको ये ग्रीन वाली बत्ती 3 रखनी की है। ये ग्रीन वाली बत्ती को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया गया हुआ है। हम ये नॉब से ग्रीन वाली बत्ती को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रही है, अगर 3 बत्ती हो रही है तो आपको ये ग्रीन वाली बत्ती 4 रखने की है, रेड वाली बत्ती से 1 बत्ती ज़्यादा रखने की है। इससे आपकी मोटर बार बार ज़्यादा एम्पियर लेके नहीं गिरेगी। अगर आपकी मोटर ये सब रेड वाली बत्ती पूरी हो रही है तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हो, और उसके बाद ही आपकी मोटर ऑन होगी और
ये बटन को आपको ओके साइड पोजीशन में रखना क्या है। अगर आप उसको बाईपास करेंगे तो आपका ये रिले का कोई काम नहीं होगा, इसके लिए आपको ये ओके साइड ही रखने का है। जब जल जाए तभी आपको उसको बाईपास करके थोड़ी देर के लिए चालू कर सकते हो। मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन प्रेस करें।